भाई वाला रामायण नहीं जो नयका आया है आदिपुर, इसको नहीं कह रहे, सोना का लंका को कोई कोयला का बना दिया। तो देख के अपना कंसेप्ट क्या खराब करे हम। युद्ध के बीच में भी आप देखिएगा 50 साल बाद फिल्म बनाएगा तो जो धर्म पुराना हो जाएगा उसको बताने वाला ना आधा धूमिल करके बताएगा, वहां लिखल रहेगा कुछ है यहाँ बता देगा कुछ, समझ में आ गया कि नहीं? वहां कर्म कांड नहीं है, यहाँ कर्म कांड गुजर देगा, समझ में आ गया कि नहीं? अपने मन से इसका रीजन क्या है? जैसे मान के चलिए हम आपको एक गिलास भर के दूध दिए, आप कहें दूसरे बर्तन दूसरे गिलास में ढालो, आप कितने भी सफाई से दूसरे गिलास में ढालेंगे ना इसमें तनी तनी बचिए जाएगा, फिर आप उसमें ढालेंगे तनी से इसमें बच जाएगा, फिर डालेंगे इसमें तनी से बच जाएगा, और इसे हजार गिलास चेंज हुआ ना तो उधर ये तनिए सा बचेगा। बस यही होता है धर्म में, जितना ओल्ड होते जाएगा ना मौलिकताओं ओरिजिनलिटी चीजों की कमी आने लगी, जिस वजह से धर्म को लेकर झगड़ा हो जाएगा। पहले धर्म को लेकर झगड़ा नहीं होता था, आप महाभारत या रामायण की कहानी देखिएगा, आपको हाई वाला रामायण नहीं जो नयका आया है आदिपुर, इसको नहीं कह रहे, ये तो सच में बड़ी दूरी आके बना दिया है। देखिए धर्म दूर होने का रीजन क्या होता है, देख रहे हैं सोना का लंका को कोई कोयला का बना दिया कुछ दिन में पता चला 50 साल बाद फिल्म बनाएगा तो डिजिटल बना देगा, ऐसे रावण ऐसे कुछ बटन वटन दाब के अपना लंका खोलने लगेगा कुछ दिन में, जिस तरह से ही बना रहा है सब। तो खैर आप लोग ज्यादा देखे हैं, हम तो अभी देखे नहीं आदि पुरुष फिल्म को, इतना हल्ला कर दिया कि हम देखे नहीं किए, हम कहेंगे छोड़ो हमारे मन में वही वाला है वही रहने दो, जब लोग इसको गड़बड़ कर रहे हैं तो देख के अपना कंसेप्ट क्या खराब करें हम हाँ रामानंद सागर वाला उस समय भी देखिएगा, उस समय धर्म अपने ओरिजिनल रूप में था, युद्ध के बीच में भी आप देखिएगा राम जी और रावण की भाषा या किसी में भी मर्यादित एक भाषा रहेगी। आप देखिएगा महाभारत की लड़ाई में गुरु जी का पैर छू रहा है, गुरु जी आपके ऊपर हमला करने जा रहे हैं, प्रणाम करके मारता था नहीं देखे आज्ञा पूछते थे मारे तो उस समय मौलिकता था, समझ में आ गया कि नहीं? तो आज के समय अरे कोई मतलब नहीं है, आप मूवी मत देखिएगा, अरे वैसे भी हमको बाबू उतना फुर्सत नहीं रहता मूवी देखने का, समझ में इतना फुर्सत रखल है मूवी देखने का, आप ही लोग की लाइफ अच्छी है, 3 घंटा तो कभी समय नहीं मिला, मतलब कभी कभी सोचते हैं फिल्म देखेंगे फिर सोचते हैं 3 घंटा एक साथ, एटलीस्ट 2 घंटा तो लगेगा, एक साथ 2 घंटा मिलना पॉसिबल है? मत पूछिए यहाँ पर, एक साथ 2 घंटा कभी सोचते हैं कभी मिलेगा हमको भी समय इस तरह, एक साथ तो 2 घंटा नहीं है मिलने वाला, हमेशा कुछ ना कुछ लगे ले रहता है यहाँ पे। आगे बढ़े, संडे को सोचो हम लोग का संडे के दिन ज्यादा काम होता है, दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है कि कल समय मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा, और जब तक तुम लोग है हमको समय होने देगा? हाँ तुम लोग को तो हर चीज रेडीमेड चाहिए होगा एकदम यहाँ पे बना बनाया, यहाँ पे आज लड़का अब जाने वाला, अब दिल्ली नहीं जा रहा है लड़का, पटना से रुक जा रहा है, यहाँ पे ये सब चीजें हो जा रही हैं, तो इस सब में थोड़ा सा हम लोग को समय लग जाता है।